ग्रुप सी के लिए हरियाणा में 22,000 पद विज्ञापित किए गए हैं। इसके लिए दो एग्जाम देने पड़ेंगे। पहला कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET, जिसमें 50% का बार क्रॉस करना है तो आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। और दूसरा एग्जामिनेशन होगा पोस्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रुप सी की, वो वाला पेपर। अब उस पेपर में कहा गया है कि 4 या 5 गुना टॉप कैंडिडेट्स को ही एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। यानी कि आप CET उत्तीर्ण कर भी लेंगे तो भी गारंटी नहीं कि आपको दूसरा पेपर देने दिया जाएगा या नहीं। यही एक बहुत बड़ा फ्लॉ है इस CET एग्जामिनेशन और इस गजट नोटिफिकेशन हरियाणा की पॉलिसी का, और इसी का आज सभी अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। और मैं उनके सहयोग में हूँ, उनके साथ हूँ कि वो सही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा पेपर क्लियर कर लेता है और उसे आगे एग्जाम देने का मौका न दिए जाना अपने आप में बेहद गलत चीज है। हमारी सरकार से ये प्रार्थना है कि आप CET में ग्रुप सी के एग्जामिनेशन जो भी क्लियर करते हैं उन सभी अभ्यर्थियों को अगला पेपर देने का मौका दें। CET को एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की तरह माना जाए, जैसे HCS को माना जाता है, IAS को प्रिलिमिनरी क्लियर करना जिसे कहा जाता है। जो भी 50% अंक ले लेता है अभ्यर्थी, उसका साफ पता चल सकता है कि यह पढ़ने वाला बच्चा है, तभी इसने ये पेपर क्लियर करा। आप यदि 4 या 5 गुना ही अभ्यर्थियों को हर एक पोस्ट के लिए बुलाते रहे तो बाकी अभ्यर्थियों का चांस ही नहीं बचेगा। इसमें एक और चीज सोचने वाली ये भी है कि वही अभ्यर्थी बार बार सिलेक्ट होंगे जिनके पास सोशियो इकोनॉमिक के 5 अंक रहेंगे। तो आप जाने अनजाने मेरिट को इग्नोर कर रहे हैं, आप मेरिट के साथ ही बिल्कुल गलत कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स के साथ गलत कर रहे हैं, और हम सब मिलकर इसका विरोध करते हैं। वह आपको इस ट्विटर कैंपेन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप कितना गलत कर रहे हैं। वह इसमें संशोधन करें जल्द से जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद।